एक बार एक जंगल से एक आदमी गुजर रहा होता है और उसी वक्त वो क्या देखता है कि उसी जंगल पर एक लोमड़ी पड़ी हुई है और उस लोमड़ी के दोनों पैर नहीं है, वो वहीं पर पड़ी हुई है। अब वो मरने की हालत में आ चुकी है और उसी वक्त एक शेर आता है तो शेर को देखकर वो आदमी भागे जो पेड़ होता है उसके पीछे छुप जाता है और शेर उस लोमड़ी के पास अब आ रहा होता है। उस लोमड़ी के पास आकर वो शेर मांस का एक टुकड़ा छोड़कर चला जाता है। ये देखने के बाद वो जो आदमी होता है वो बोलता है, ये क्या हुआ? वैसे ही अगले दिन में वो लोमड़ी वहीं पर पड़ी हुई होती है और उसी वक्त फिर शेर आता है और शेर को देखकर वो आदमी फिर पेड़ के पीछे चला जाता है छुपने और फिर क्या देखता है, वो शेर आकर उस लोमड़ी को फिर एक मांस का टुकड़ा देकर चला जाता है। अब इसे देखने के बाद उस आदमी को लगता है कि मुझे ऊपर वाले का इशारा समझ में आ गया। वो इशारा ये है कि मुझे भी खाना अपने आप मिल जाएगा, भगवान जैसे सबको खाना अपने आप दे रहे हैं, मुझे भी खाना अपने आप मिल जाएगा। तो वो उस जंगल के एक शिला पर बैठता है और वहीं पर तपस्या करना शुरू कर देता है, वहीं पर मेडिटेशन करना शुरू कर देता है और वो सोचता है कि खाना अपने आप ही मिल जाएगा। पर एक दिन चला जाता है, दो दिन चला जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता, फिर भी उसका ऊपर वाले के ऊपर विश्वास होता है। फिर तीन दिन चार दिन चले जाने के बाद भी उसका ऊपर वाले के ऊपर बहुत जोर विश्वास होता है। पर एक हफ्ता जब निकल जाता है तो उसी वक्त जब वो मरने की हालत में आ जाता है तब उसके सामने गुजर रहे होते हैं एक मुनि ऋषि और वो मुनि ऋषि के पास दौड़े दौड़े भाग कर जाता है और बोलता है, देखिए ये जो लोमड़ी पड़ा हुआ है इसे तो अपने आप खाना मिल जा रहा है जिसके पैर ही नहीं है और मैं यहाँ पर तपस्या कर रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ, पर भगवान मेरी सुन क्यों नहीं रहे? तो वो जो मुनि ऋषि होते हैं वो बोलते हैं, तुमने भगवान का इशारा ढंग से समझा ही नहीं। तो वो बोलता है, क्यों, ऐसा क्यों? वो जो लोमड़ी है उसके सामने हर बार शेर आता है और मांस का एक टुकड़ा छोड़कर चला जाता है, पर मेरे लिए कोई क्यों छोड़कर नहीं जा रहा? तो मुझे तो वही से ही मेरा मतलब मिल चुका था, भगवान का इशारा मिल चुका था कि मुझे भी लोमड़ी की तरह बैठकर खाना की अपेक्षा करना चाहिए, खाना अपने आप मिल जाएगा। तो वो जो मुनि ऋषि बोलते हैं, ऊपर वाले का इशारा ये नहीं कि तुम लोमड़ी की तरह पड़े रहो और तुम्हें कोई आकर बोले ये ले खाना खा ले, बल्कि इशारा तो ये है कि तुम उस शेर की तरह बनो जो कि दूसरों की मदद कर पाए। हम इंसान हमेशा दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं जबकि हमें इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। आप जब इस वीडियोस को देख रहे हैं, मेरे जो सारे व्यूअर्स हैं, मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप भी उस शेर की तरह बनिए ताकि आप हजार लाखों करोड़ों लोगों की मदद कर पाए, ना कि लोमड़ी की तरह। तो आपको अगर ये मैसेज समझ में आ गया तो इसे हर एक व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करना शुरू कर दीजिए। अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फाइनली मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियोस में। टिल द टाइम अपग्रेड योरसेल्फ एंड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर लाइफ। थैंक यू सो मच।